फिरोजाबाद में एक बार फिर से नगर विधायक मनीष असीजा सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें आपको, नगर निगम के नगर आयुक्त कमलेश कुमार ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने ट्रांसफर के लिए शासन को पत्र भी लिखा है। सुनिए क्या कहना है कमलेश कुमार सिंह का। बताने को क्यों तैयार नहीं है आपका मामला जो चल रहा है, जिस तरीके से आपने कहा है कि फिरोजाबाद के नगर के जो विधायक है मनीष असीजा ने मुझे जान से मारने की धमकी और भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, उसमें क्या कहना है आपका? अरे भाई, कल इतनी भद्दी गालियां सबको दिया तो वो उसमें आदमी आत्महत्या कर लेगा तो मारने के समान है ना। ऐसी गालियां देने आप सुनिए, आप लोग थे ना वहाँ पर, इस टाइप से अधिकारी से बर्ताव करना चाहिए? ऐसा मामला क्या था जिसपे आपको भद्दी भद्दी गालियां और वो उखड़ गए असीजा? ऐसा राजनीतिक मामला रहा होगा क्या? किसी जैसे कर्मचारियों का जो पैसा रुका हो उसके लिए दबाव बनाना या जी ट्यूबवेल खराब है तो उसे तत्काल सही किया जा रहा है ना। पानी सप्लाई की जा रही है, वो तुरंत सही भी हो गया, टैंकर भी भेज दिए, उसके बाद भी एक घंटे तक गाली गलौज करना, 100 आदमी 150 आदमी बीच में, तो ये तो और क्या है, बेइज्जत करना, आत्महत्या करने के लिए समान तो है ही, तो ये तो एक मर्डर के समान है ना। तो वहीं इस मामले पर अब नगर विधायक मनीष असीजा का अपना एक अलग ही तर्क है। साफ तौर पे ये कहा है कि आप उन्हें मरवा देंगे, जब से आप वो आए हैं तब से आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले हैं। उन्होंने आयोग से भी कहा है कि मुझको यहाँ से हटा दिया जाए। देखिए, आयोग से तो शायद उन्होंने इसलिए कहा है कि अभी पीछे नगर विकास मंत्री जी आए थे तो उन्होंने, यहाँ दोनों डीएम और एसपी साहब भी थे, तीनों विधायक थे और बहुत सारे प्रमुख लोग थे, तो सर्किट हाउस में उनसे ये कहा था कि हमारे पास आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं और मैं 2 अक्टूबर के बीच में कभी भी निरीक्षण करूंगा और अगर स्थितियां जितनी अनियंत्रित आपके दौर में हो गई हैं, अगर वो हुई तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो उन्होंने 13 तारीख को एक पत्र लिख के भेज दिया है। एक बात, मैं उन्हें जान से क्यों मरवाऊंगा भाई साहब? एक बात, मेरा आज तक किसी से, मैंने चूहे की पूंछ पे दुम पे पैर नहीं रखा है, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चूहे की दुम पे पैर नहीं रखा मैंने, मेरी हत्या के प्रयास हुए, मेरे ऊपर कितनी हिंसा की घटना हुई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिलहाल अब देखना होगा कि दोनों के बीच ये मामला कब तक थमने का नाम लेता है। SPN9 न्यूज के लिए फिरोजाबाद से अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।